कितने अच्छे से सिंप्लीफाई करके समझाते, आपको उनकी बातें इसीलिए समझ आती क्योंकि वो अपने वर्ड्स यूज करते हैं, किताबी वर्ड्स यूज नहीं करते। तो अपने वर्ड्स अगर यूज कर पाओ तो सोचो, उन लोगों से आप इतने इंप्रेस होते, अपने आप से तो कितने हो। सोचो यार, फायदा ही फायदा है। अगला पॉइंट, कंडेंसिंग ऑफ द डेटा। कंडेंसिंग का मतलब है शॉर्टनिंग, तो आप नोट्स को, डेटा को शॉर्ट कर पाओगे बाय मेकिंग नोट्स। ये आप समझ पाए हो कि मैंने बोला नहीं मोटी मोटी किताबें थी, मैंने उनको एक दिन में रिवाइज कर पाया हूँ, किताबों को नहीं, किताबों के अंदर के डेटा को मैंने अपने वर्ड्स में लिखा था, ज्यादा पेज को कम पेज में कंप्रेस करके, मतलब अपनी इंफॉर्मेशन अपने हिसाब से उस इंफॉर्मेशन को ट्रांसफॉर्म करके। अगला पॉइंट, इंक्रीजेस फोकस एज वेल एज इंटरेस्ट। अंडरस्टैंडिंग का तो ठीक है, बट ये फोकस कैसे बढ़ा सकता है, ऐसे कैसे बढ़ सकता है फोकस? तो सिंपल रीजन देखिए, आप अगर नोट्स बनाना शुरू करेंगे तो मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से ये कह सकता हूँ कि आप नोट्स को और बेहतर करना चाहते हो। आप ये नहीं सोचोगे कि मेरे नोट्स ओके है, ओके ठीक है चल जाएगा, नहीं, यू ट्राई टू मेक इट बेटर। अगर आप में वो जिद है तो अगर आप थोड़ा भी नोट्स को बेटर करना चाहोगे तो इवन इफ यू डोंट अंडरस्टैंड द लेक्चर, आप इसीलिए उस लेक्चर को ध्यान से देखोगे ताकि आप एक बार वो नोट्स अच्छे से बना सको। बाद में आपको उस किताब में से पढ़ने की जरूरत नहीं, आप अपने नोट से उस चीज को एग्जाम के टाइम तक रिवाइज कर सकते हो कभी भी, और अपने नोट से टाइम बहुत बचता है। अभी पहले ही बोला है कि जो रिवाइज पढ़ने में टाइम लगता है वो रिवाइज करने में नहीं लगता है, अगर नोट्स बनाए बहुत आसान हो जाता है। अगला, रैपिड रिविजन ड्यूरिंग एग्जाम, ये बताने की जरूरत नहीं, मैंने अभी बोला है कि एक दिन पहले पूरा सिलेबस रिवाइज किया था अपने नोट से। अगला पॉइंट, मोर रीडेबल टू यू, अपने वर्ड यूज करने पे अगर वो खुद के लिए ज्यादा रीडेबल नहीं हुआ तो क्या यूज है उसका? ऑफ कोर्स इट्स रीडेबल टू यू। अगर आप भारी भारी शब्दों वाली किताबें पढ़ेंगे तो ऑफ कोर्स वो डिफिकल्ट जाएगा, बट अपने वर्ड्स, आप भारी भारी वर्ड्स यूज नहीं करोगे, अगर आप अपनी लैंग्वेज में उस आंसर को लिखोगे, उस कंसेप्ट को लिखोगे, लिखना यानी जो मैंने इस तरीके से लिखा है, ऐसे ही अलग अलग तरीके हैं, मैं बताऊंगा अगली क्लासेस में, तो आप वापस भी समझेंगे। और लास्ट वाला,